अस्सलाम वालेकुम भाई लोगों, क्या हाल चाल, कैसे मिजाज। वेलकम टू माय चैनल आसिफ स्टूडियो। तो वेलकम टू अ न्यू व्लॉग, और आज मैं एक व्लॉग बनाने जा रहा हूँ अपने गांव में। इतने दिनों से कोई वीडियो नहीं बनाई थी, और इस वक्त मैं अपने गांव में मौजूद हूँ। तो मैं आपको यहाँ के सारे सीन्स दिखाता हूँ, यहाँ की फसलें और जो भी यहाँ पे सीन्स चल रहे हैं वो भी। मैं अपनी बाइक पे हूँ और आपको सारा गांव घुमाते हैं अपना, तो बने रहिएगा आगे वीडियो तक। तो अभी चलते हैं। तो इस वक्त मैं एक जगह पे पहुँच चुका हूँ, जो मतलब अभी जो बहुत ज़्यादा बारिशें हुई थी, तो और बारिशों के बाद जो सैलाब आया था, तो उसके बाद एक जगह यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब जैसे झील टाइप की बन जाती है। और ये मतलब एक छोटा सा एरिया है, लेकिन यहाँ झील बन जाती है हमेशा। जब भी ज़्यादा बारिशें हों या सैलाब आए तो यहाँ पानी रुक जाता है। ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी यहाँ। तो ये वो जगह है, ये अभी पानी बहुत कम हो गया है, मछलियाँ भी हैं, अभी पानी बहुत कम हो गया है, वरना ये पूरी यहाँ तक फुल होती है जो यहाँ है। तो ये पूरा आप देख सकते हैं, इसमें मछलियाँ भी होंगी। इस वक्त अगर टाइम होता तो बंदा मछलियाँ भी पकड़ लेता, लेकिन अभी टाइम नहीं है इतना ज़्यादा। और ये मतलब फुल होती है, लेकिन अभी पानी बहुत ख़त्म हो गया है, और अगर सैलाब आता है तो ये सारा हमेशा ये फुल हो जाती है यहाँ तक। तो अभी गांव में तीन चार ऐसी फसलें हैं जो पक चुकी हैं, और एक फसल जो है जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा काश्त की जाती है, यानी कि गंदम, तो वो अभी यहाँ मतलब उगाई जा चुकी है, मतलब अभी वो छोटी है बिल्कुल। और वो आप देख सकते हैं जो ग्रीन ग्रीन, ये जो है ये पूरी गंदम है, ये अभी मतलब अभी काश्त की गई है, मतलब ये अभी बाकी जो फसलें हैं वो सारी पक चुकी हैं, लेकिन ये अभी काश्त की गई है। तो इसको 3 से 4 महीने लगेंगे या 5 महीने, और उसके बाद ये तैयार हो जाएगी गंदम। और ये जो फसल है यहाँ पे ज़्यादातर किसान यहाँ पे यही बहुत ज़्यादा काश्त की जाती है। अब ये सबसे मुश्किल तरीन मतलब रास्ता है, मुश्किल है जो मतलब यहाँ से थोड़ी गाड़ी चलाना है। जो अभी सैलाब आए थे उसकी वजह से पूरा ख़राब हो गया, वरना पहले बिल्कुल सही होता था। अब इसको थोड़ा टाइम लगेगा और ये सही कर दिए जाएंगे, लेकिन अभी थोड़े किसान मसरूफ़ हैं उसकी वजह से। तो ये देख सकते हैं आप, ये इतने सी ये जो जगह दिख रही है आपको, इसी पर पूरा चलना है मेरे को यूँ, और यहाँ से अभी पार करते हैं फिर आगे आपको। तो इस वक्त मैं मेन जगह पर पहुँच चुका हूँ, जहाँ पर मैं आपको 2-3 फसलें दिखाऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ का ये जो पानी का निज़ाम है वो दिखाता हूँ। तो बिल्कुल मतलब गांव में जहाँ बहुत ज़्यादा फसलें हैं वहाँ तो बिजली ना होने के बराबर है, और जहाँ पे जो पानी वाली मोटर्स हैं वो सारी डीजल वगैरह से चलती हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है किसान का। तो अगर आप ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, ये जो सोलर प्लेट्स आपको दिख रही हैं, तो इससे आपको इस सामने मैं दिखाता हूँ, मतलब यहाँ पर मोटर लगे हुए हैं और बहुत आराम से देखें पानी चल रहा है बहुत, मतलब यहाँ पे बस ये आपको एक ही बार इन्वेस्टमेंट करनी है और फिर आप फसलें उगाते रहें। आप ये पानी किसी और को भी दे सकते हैं, उनसे भी आप फिर ऐसे भी पैसे कमा सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने एक झोंपड़ी बनाई हुई है जहाँ पे रात को सोते हैं इनकी रखवाली के लिए। और बकाया ये वही मतलब अगर आप मेरे कुछ पहला व्लॉग देखेंगे तो उसमें मैंने जो चल रही थी मोटर उसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ थी, और उसमें बिल्कुल आवाज़ भी नहीं है, और ये तो मुझे तो बहुत बेस्ट लगा यार। देखें आप जैसे यहाँ से पानी आ रहा है, और ये यहाँ से पूरा बना हुआ रास्ता और ये जाता है फसलों तक। ये जो आपको यहाँ पे सारे पौधे दिख रहे हैं ये कपास के पौधे हैं, ये कुछ कुछ तो पक गए हैं, और अब इनमें मेरे ख्याल से तो ये अब पूरा हो चुका है, मतलब इसमें अभी कुछ फल ज़्यादातर बचे नहीं, कपास ज़्यादा बची नहीं है, यहाँ से ये तोड़ ली गई है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये सब ये मतलब अब ये काट दी जाएगी और इसकी जगह पे हो सकता है गंदम उगा दी जाए। और यहाँ से ये आपको दिख रहे होंगे ये पौधे, तो इनमें मिर्चें हैं, और ये मिर्चों का मैं आपको पूरा तफसील से दिखाता हूँ आगे। और ये जो फसल आप देख रहे हैं ये प्याज की फसल है, और ये भी अब ऊपर से ये पूरे पीले पीले होते जा रहे हैं, यानी ये पकने वाले हैं। जब मतलब अभी यहाँ से पीले हो जाएंगे फिर इनको तोड़ लिया जाएगा और ये फिर मंडी में बेच दिए जाएंगे। और यहाँ पर ये पूरा प्याज की फसल है, यहाँ पे ये सारे सीन्स हैं यहाँ के। यहाँ पे पूरी गंदम की फसल है, जिसकी वजह से यहाँ पे भी पूरी ग्रीनरी हो जाएगी। और ये जो मौसम होता है यहाँ, ये बहुत ही मतलब यहाँ पे दिलकश होता है, आँखों को बहुत सुकून मिलता है पूरी ग्रीनरी देख के यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं मैं भी मौजूद हूँ इधर मिर्चों के बाग में, और मिर्चों की फसल में बाग जो भी आप कहें। तो अभी मैं आपको ये देखें इसमें पूरी ताज़ी ताज़ी मिर्चें लगी हुई यहाँ पे, यहाँ से ऐसे तोड़ के अभी यहाँ पे आपको लोग नजर आ रहे होंगे। तो यहाँ पे अभी मिर्चों की मतलब चल रही है चुनाव, और यहाँ से तोड़ी जाती है मिर्चें और फिर इन बोरियों में ऐसी बोरियों में जमा करके फिर बेच दी जाती हैं। और अभी मतलब ये पूरी पक गई है, मतलब अभी सेकेंड टाइम ये एक फसल से 3-4 बार तोड़ी जा सकती हैं मिर्चें, तो ये अभी दूसरी बार यहाँ से तोड़ी जा सकती हैं। आप देख सकते हैं इनमें पौधों में मिर्चें लगी हुई हैं। I'm
walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step, the clock is... और आपको जो ये इलाका नज़र आ रहा है, जो ये वाला जो येलो येलो, तो ये वाला सारे चावल उगाए गए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरे इतने चावल हैं ये मेरे। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में एक पानी वाली मोटर दिखाई थी, तो उसमें आप देख सकते हैं कि इतना शोर वगैरह नहीं था बिल्कुल भी। और अभी जो मैं आपको ये मोटर दिखा रहा हूँ, ये जो मैं जिसकी बात कर रहा था, डीजल पे चलती है और उसमें बहुत ज़्यादा शोर है। पानी मतलब ये भी सही देती है, लेकिन इसमें शोर बहुत ज़्यादा है। और उस आप देख सकते हैं इनमें और उसमें कितना ज़्यादा फर्क यही है। वो देखें इसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ है, लेकिन इसमें एक फ़ायदा है कि आप रात को भी चला सकते हैं, दिन को भी। उसमें ये वाला एक साइड इफ़ेक्ट है उसका कि वो आप रात को नहीं चला सकते। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो इतने दिनों के बाद वीडियो आई है, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपनी राय मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि वीडियो कैसी लगी और मुझे क्या इंप्रूवमेंट और करनी चाहिए। और जितना आप लाइक करेंगे उससे मेरा हौसला बढ़ेगा और वीडियो जल्दी जल्दी आएंगी। तो लाइक कीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।